Hello students, my name is Narendra Singh. Welcome to Pusa Classes. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मेन टॉपिक दैट इज एरर. आई होप कि आपने लास्ट क्लास के जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का वो भी आपने कम्प्लीट कर लिया होगा. तो उसके बाद ये जो मेन टॉपिक आता है हमारे पास आता है एरर्स. तो इस क्लास के अंदर मैं जो एरर्स में जो डिफरेंट टाइप्स के जो एरर्स हैं उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और उसके बाद दैट इज पारसेक और थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? तो एरर्स होती क्या है, एरर्स किसे कहते हैं? तो एरर्स इन अ मेजरमेंट जो है हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है. तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. और एक सिचुएशन है, जैसे एक क्लास में एग्ज़ाम हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 50. क्लियर? और मैं जैसे ही एग्ज़ाम्स के एक दो दिन बाद क्या होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि मेरे मार्क्स कितने आए, मेरे फ्रेंड के कितने आए. तो बच्चे क्या करते हैं, लेट अस सपोज करिए कि 70 मार्क्स का टेस्ट है. ओके? और जो 70 मार्क्स का टेस्ट है तो बच्चे क्या करते हैं कि मैम के पास जाते हैं कि मैम मेरे मार्क्स कितने हैं. तो लेट अस सपोज करो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी मैम के पास गया कि मैम मेरे मार्क्स कितने आए. जैसे कि मैं हर बार क्लास में टॉप ही मारता था तो मैंने पूछा मैडम मेरे मार्क्स कितने हैं. तो मैडम ने बोला आउट ऑफ 70 आई थिंक 55 से 65. उन्होंने जो बोला 55 से 65, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई. क्या बोला? 55 से 65. अब ये जो 55 टू 65 है ये उनकी मेजरमेंट थी. किन की? हमारी मैम की. तो हमारी मैम ने जो मेजर किया दैट इज़ 55 टू 65, उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज़ ट्रू वैल्यू का नहीं पता था कि एग्जैक्टली मार्क्स कितने, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 50 थे तो उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं था. क्लियर? तो मैंने 55 टू 65 क्लास में अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरे मार्क्स जो आए हैं 55 टू 65 आए. ओके? तो जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ कि हाँ भाई बच्चों के जिस टाइम मार्क्स बताए जा रहे थे तो मैम ने बताया कि हाँ आपके जो मार्क्स हैं वो एग्जैक्टली 60 हैं. तो जिस टाइम मैंने अपनी शीट देखी तो मैंने देखा हाँ मेरे 70 में से 60 मार्क्स आया. ओके? तो जो 60 है यहाँ पर, जो 60 है वो क्या है, एक ट्रू वैल्यू है. 60 जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू. अब जो मैम ने बताया वो कितना बताया था, 55 से 65, और मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 60. तो 60 यहाँ पर हमारी ट्रू वैल्यू है. अगर मैं 55 में 60 में से 5 माइनस करूँगा तो 55 आ रहा था, और अगर प्लस 5 करूँगा तो 65 आएगा. ओके? तो मैं यहाँ देखता हूँ कि जो 60 है वो एक एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, जो मेरे मार्क्स रिजल्ट में चढ़ाए गए. ओके? तो यहाँ पर जो प्लस 5 और माइनस 5 है ये क्या है, ये एक तरह की एरर है जो किसके द्वारा करी गई है, इनडायरेक्ट वे में मैम के द्वारा, जो हमारी क्लास टीचर थी फिजिक्स की. ओके? तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट वे में हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो जिसपे हम एक्यूरेट नहीं है, जिसपे हम एक्यूरेट नहीं है वो कितना है, 55 टू 65. एग्जैक्टली कितना है, दैट इज 60. तो जैसे अभी कभी कभार हम मेजरमेंट के लिए, जैसे कहीं हम घूमने जा रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता कि हाँ, जैसे रोहिणी है, मैं यहाँ करोल बाग में हूँ, मुझे नहीं पता कि रोहिणी कितने किलोमीटर दूर है. बीच रास्ते में मैंने एक पर्सन से पूछ लिया कि भैया ये रोहिणी कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वो बोल देता है 10-15 किलोमीटर. वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलता, कहता होता है भैया 10-15 किलोमीटर होगा, यहाँ से सीधे चले जाइए. क्लियर? अब ये जो उन्होंने 10-15 बोला ये इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट थी, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट कैलकुलेट नहीं की, वो इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि हाँ रोहिणी इस डायरेक्शन में 10-15 किलोमीटर है. तो जब उन्होंने बोला कि 10-15 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 10-15 है वो इनडायरेक्ट वे में एक मेजरमेंट करी गई है. तो उसी टाइम मैं क्या करता हूँ, गूगल खोलता हूँ, गूगल पे मैप खोलता हूँ और मैं देखता हूँ जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू वो आ रही है कोई 12.5 किलोमीटर. तो ये 12.5 किलोमीटर है ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है. तो
टू 12.5 क्या है हमारे पास ट्रू वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर -2.5 करूँगा, यहाँ +2.5 करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा, माइनस करने पे 10 मिलेगा, ठीक है ना। 2.5 में अगर माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 10। तो ये जो 2.5 है प्लस में माइनस में, ये क्या है एक एरर। तो मैं अगर किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, किसकी रिप्रेजेंटेशन एरर की, तो अगर मैं एरर को रिप्रेजेंट करूँगा या फिर मैं पहले डिफाइन करना चाहता हूँ, तो डिफाइन करते टाइम मैं क्या बोलूँगा, माइनस का वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के बीच में, जो हमने मेजर करी है वैल्यू इनडायरेक्ट वे में, उनके बीच का एक डिफरेंस है। तो कहता है द एरर ऑफ अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर माइनस को शो कर रहा है। ट्रू वैल्यू क्या है, जो एग्जैक्टली है, जो हमने गूगल पे सर्च करी, जो मेरी मैम ने मुझे बताया, ठीक है। और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू वो है जो इनडायरेक्ट वे में मेजर करी गई है। आई होप कि आपको ये पता चला। तो एरर क्या है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इसके बाद एरर को रिप्रेजेंट कैसे करें, एरर की जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, एरर जो है ऑलवेज डेल्टा के फॉर्म में होगा। डेल्टा जेड से मैं शो कर रहा हूँ कि कुछ अमाउंट की मेरे पास एरर है। तो ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्मॉल अमाउंट की क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू, किसमें, इन ट्रू वैल्यू, इन ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में जो स्मॉल वैल्यू है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा जेड। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आते हैं। एरर्स जो है, जैसे एक कभी कभार ऐसा होता है कि हम घर में गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग करते टाइम नेट जो है स्लो हो जाता है, मैं देखता हूँ कभी कभार, तो नेट जो है बीच में चला गया। तो ये जो टेक्निकल एरर हुई, इंटरनेट नहीं आ रहा, तो ये स्मॉल अमाउंट की एरर है। तो हम इंटरनेट वाले को कॉल करते हैं कि भैया नेट नहीं आ रहा, तो नेट ठीक करो, तो वो पीछे से इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा टाइट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा नेट है वो फास्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वायरिंग में कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, जिसके कारण एरर अराइज हो गया। बट यहाँ पर जो एरर है, दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हम फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है कॉन्स्टेंट एरर। ये जो कॉन्स्टेंट एरर है, ये कॉन्स्टेंट एरर है क्या, ये जो एरर है ये कैसे अराइज होता है, इसके कारण क्या है, किस कारण से ये अराइज हुआ। तो है अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन, इट इज ड्यू टू द अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जिस टाइम मैं कोई इंस्ट्रूमेंट से फिजिक्स की लैब में या केमिस्ट्री लैब में या बायो लैब में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो फॉल्टी कैलिब्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो इसके कारण ये अराइज होता है, दैट इज कॉन्स्टेंट एरर। अच्छा, कैसे इसको रिमूव किया जाए, तो एरर, दिस कॉन्स्टेंट एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय डिफरेंट मेथड्स और एपरेटस। अगर मैं किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको मैं डिफरेंट मेथड से कर सकता हूँ, डिफरेंट एपरेटस से कर सकता हूँ। तो ये था कॉन्स्टेंट एरर। इसके बाद जो आता है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। ये जो सिस्टमैटिक एरर है टेंड्स टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, या तो बिल्कुल ही गलत होगा, या तो बिल्कुल ही सही होगा, या तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा या बिल्कुल नेगेटिव होगा, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू आएगी या बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू। तो ये सिस्टमैटिक एरर जो है टेंड्स टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके भी थोड़े से पार्ट्स हैं, 2-3 टाइप्स के इसके पास पार्ट्स हैं, दैट इज सिस्टमैटिक एरर के। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जैसे मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है या एक स्क्रू गॉज है,
तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं। जिस टाइम आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको मैम या लैब असिस्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा और विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स यू विल कैलकुलेट द डेप्थ और यू विल कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो ऑकर ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके बाद जो सिस्टमेटिक एरर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज पर्सनल एरर। ये जो पर्सनल एरर है, पर्सनल एरर भी सिस्टमेटिक एरर है, उसी का ही एक पार्ट है। तो इसमें अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। हम कभी कभार ओम्स लॉ कर रहे हैं, लेट अस सपोज करो ओम्स लॉ कर रहे हैं या मीटर ब्रिज कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स में इसमें वायरिंग कनेक्ट करनी होती है। वायरिंग जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो इसमें जो वायरिंग है हम बिल्कुल टाइट कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण ये पर्सनल एरर अराइज हो जाती है। यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। केयरलेसनेस मैंने देखा है कि जैसे जो ये लैब के जो पीरियड्स हैं जो स्कूल्स में लगते हैं, मोस्टली लंच के बाद होते हैं, मोस्टली टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चों ने वैसे ही लंच करा होता है, उसके बाद वैसी नींद आ रही होती है, तो मैम बोल रही होती है कि ये वाले स्केल से इतनी मेजरमेंट लेनी है, तो आप 0.1 का या 0.2 का उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये केयरलेसनेस के कारण भी यहाँ पर ये जो एरर है वो अराइज होता है। इसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होता है ऑकर इररेगुलरली एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कभी कभार हम मेजरमेंट करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है। जैसे लेट अस सपोज करिए मैं किसी थ्रेड से एक बॉब का मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ और मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी थी 10। जिस टाइम मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली तो मेरा आया रीडिंग, लेट अस सपोज करो 20 ऑब्जर्वेशन का आया 16 सेकेंड्स, 16.1, 16.2। जिस टाइम मैंने स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स की ये जो रीडिंग आई, तो रैंडमली मैंने एक रीडिंग लिख दी। मुझे पता था कि हर बार 16.2, 16.1, 16.3 के अराउंड आ रही है, तो मैंने जो एक रीडिंग ना लेने के बजाय मैंने डायरेक्ट लिख दिया 16.5। तो ये रैंडमली मैं क्या कर रहा हूँ, एरर को ऑकर कर रहा हूँ। अगर मैं मेजर्ड करता, अगर मैं उस क्वांटिटी को मेजर्ड करता तो रियलिटी में उसकी वैल्यू एक्यूरेट आती, बट मैंने क्या करा, केयरलेसनेस, मैंने केयरलेसनेस दिखाई, जिसके कारण मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को जल्दी करने का सोचा। इसके बाद आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर भी कुछ कुछ रैंडम एरर की तरह ही है। ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, केयरलेसनेस, मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि जिस टाइम भी आप क्लास में या लैब में फिजिक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या फिर केमिस्ट्री के या फिर बायो के, एक तो केयरलेसनेस छोड़ दीजिए। केयरलेसनेस होने से, केयरलेस बच्चा अगर रीडिंग लेगा तो रीडिंग्स हमेशा गलत आती है, ठीक है, ओके। और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ एपरेटस, जब भी लैब असिस्टेंट आपको एपरेटस जोड़ना सिखाते हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान से सीखिए कैसे उन्होंने वायरिंग कनेक्ट करी है, या आप उसी पेज पर उसके स्टेप्स, उसका एपरेटस आप कॉपी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, सो दैट जिस टाइम आप खुद उसे ज्वाइन करें उस सर्किट को, तो वो सर्किट एक्यूरेट जुड़ जाए। क्लियर? ये थे एरर्स और उसके टाइप। इसके बाद जो एरर है, एरर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, एडिशन होती है, तो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ एरर्स। ये जो एरर्स हैं, एरर्स को मैंने पहले बताया आपको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू जो हुई, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अभी ऊपर, कि जैसे 60 मेरी ट्रू वैल्यू थी और मैम ने कितना बोला था, 55 to 65, और यहाँ पर कितना था, 60। तो ये जो 55 to 65 है ये एक मेजर्ड वैल्यू है, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। तो 60 जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू है। यहाँ पर मैं -5 और +5 करता हूँ तो मुझे मेजर्ड क्वांटिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस में 5 लिख देता हूँ,
ये जो प्लस माइनस 5 है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है डेल्टा जेड। तो ये क्या है? प्लस माइनस के पहले जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड जो है ये एक एरर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो एरर की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाएगी? जेड प्लस डेल्टा जेड। ओके, इसके बाद मैं अगर दो क्वांटिटीज मुझे गिवन है और उनका मुझे एडिशन करना है तो मैं किस तरीके से उसका एडिशन करूँगा? लेट स्टार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर, तो मेरे पास जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है जेड वन, दैट इज 5 ± 0.2। तो 0.2 जो है 5 के अकॉर्डिंग एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल वैल्यू है, तो दैट इज एरर इन 5 कितनी है? 0.2। 5 क्या है? ट्रू वैल्यू। मेरे पास एक अनदर क्वांटिटी है Z2, दैट इज 6 ± 0.3। अब मुझे बोला गया कि इनकी एडिशन करिए, तो जिस टाइम मैं इसको ऐड करूंगा तो दैट इज 11 ± 0.5। एरर को मैं अलग ऐड करता हूँ और ट्रू वैल्यूज को अलग। आई होप कि आपको ये बहुत ही सिंपल एक न्यूमेरिकल था जो आपको आना चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी उतना ही इजी है जैसे हमने एडिशन किया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे जेड वन है 25 ± 0.3 और एक जेड टू है 12 ± 0.2। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप एक छोटी सी बात याद रखिए कि एरर जो होती है, एरर एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसको ऑलवेज हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एरर, ऑलवेज जो होगी ऐड होगी। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस, बट ये वाला पार्ट जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 13। क्लियर? तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। मैं होमवर्क के लिए आपको दूंगा कि आप ये दो एग्जांपल ट्राई करेंगे। पहला है दैट इज 25 ± 0.01। सेकंड है, सॉरी इसी का ही पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, 13 ± 0.02, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप कि आप कर देंगे। इसके बाद दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैं एक डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन यू विल कैलकुलेट सम न्यूमेरिकल्स। दो आपके कोर्स में जो है इसकी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई है। तो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम फार्मूला है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर का बताऊंगा, वही यूज हम डिवीजन में करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, लेट अस सपोज कर लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है जेड, दैट इज ट्रू वैल्यू है। जेड इक्वल्स टू ए बी, एक अनदर क्वांटिटी है और बी एक अनदर क्वांटिटी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एरर्स में अराइज करता हूं बोथ साइड, एरर बोथ साइड्स कितना होगा? एरर, टेकिंग एरर बोथ साइड्स, अगर मैं यहां पर दोनों साइड एरर्स लेता हूं तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए को क्या लिख देंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के साथ बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर ए जो है पूरे ब्रैकेट के साथ होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, दैट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इसके बाद जो है
यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी, दैट इज ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b. कभी भी आप डेल्टा b a नहीं लिखेंगे बिकॉज ये पूरा एरर बन जाएगा, इसलिए a को पहले कहाँ लिखना है, इस साइड. ओके तो ये हो गया. अब इसके बाद है, अब बताइए प्लस माइनस b डेल्टा a, बिल्कुल सही है. फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये भी बिल्कुल सही है. इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. ओके अब इसके बाद बोला जाता है मुझसे कि डिवाइडिंग बाय जेड, डिवाइडिंग बाय जेड ऑन एल एच एस एंड ए बी ऑन आर एच एस. क्लियर? तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, अब राइट साइड पर ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस, देख रहे हैं आप, ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन में ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी. क्लियर? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये कट जाएगा तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर वन बचा. अब यहाँ से ए कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी. क्लियर? अब मैं क्या देखता हूँ, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी जाती है कि सर ये जो ये वाली क्वांटिटी है, ये दो स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, दो एरर्स की क्वांटिटी. तो आप याद रखते हैं कि जो दो स्मॉल, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को एक और स्मॉल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो और स्मॉल हो जाती है. क्लियर? तो इतने पार्ट को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये वेरी वेरी स्मॉल बन जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. देयरफोर मेरे पास क्या बचा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. मेरे पास नेट फॉर्मूला ये बचता है, जो किसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई का, और यही हम किसमें यूज करेंगे, इन द केस ऑफ डिवीजन. तो ये किसका फॉर्मूला निकला है, मल्टीप्लिकेशन का. क्लियर? इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का. मेरे पास एक एग्जांपल है. तो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स एरर इफ लेंथ आपको गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड ब्रेथ आपको गिवन है 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर. क्लियर? अगर मैं ये एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ तो मुझे पहले पता होना चाहिए कौन सी ट्रू वैल्यू है और कौन सी एरर है. तो देखिए मेरे पास गिवन है, तो मैं अगर एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जो लास्ट मेरे पास नेट रिजल्ट आएगा. ए क्या है, ट्रू वैल्यू, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसके अंदर एरर कितनी होगी, डेल्टा ए. तो मुझे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, सर ने सिखाया था मुझे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. ये था मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, जो इन टर्म्स ऑफ मैंने जेड, जेड की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, ए. तो यहाँ पर जो 10 लेंथ जो गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ मुझे क्या बताएगा, एरिया. तो यहाँ पर जो एरिया आता है मेरे पास वो कितना आएगा,
लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ट्रू वैल्यू लेंथ वाली इक्वेशन में 10 है और इस ब्रेथ वाली इक्वेशन में 20, तो ये हो गया 200 अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर। अब जब मैं एरिया के अंदर एरर फाइंड आउट करने जाता हूँ तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा ए मैं निकाल रहा हूँ, नीचे लिखूँगा 200, डेल्टा एल की जगह मैं लिखूँगा दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 20। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन वी विल कैलकुलेट द डेल्टा ए पार्ट। आई होप कि ये आप कर लेंगे क्योंकि ये मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसे कंप्लीट करके दिखाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स में ही, दैट इज अगर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, लेट अस सपोज करो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेट अस सपोज करिए मेरे पास है A1, A2, AL, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मुझे बोला गया कि इन सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप मुझे फाइंड आउट करिए मीन वैल्यू, ठीक है। तो जो मीन वैल्यू होगी इन दिस ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू क्या होगी, मैं लिखूंगा A1 प्लस A2 प्लस --, कहाँ तक, An, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितना आ जाएगा, ए मीन, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है मुझसे, मैं अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल मैं आपको एक होमवर्क के लिए दूंगा कि सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। सेकंड पार्ट है इसी के अंदर, मुझे पूछा जाता है कि हर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट की एरर है, कुछ ना कुछ अमाउंट की एरर है, तो ये जो एरर होगी A1 में वो कितनी होगी, डेल्टा A1, A2 में डेल्टा A2, ऐसे ही An में कितना आ जाएगा, डेल्टा An। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म पूछता है एब्सोल्यूट मीन एरर, तो सेकंड पार्ट है एब्सोल्यूट मीन एरर। अब एरर वर्ड लगा दिया है तो डेल्टा का वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर निकालना चाहता हूँ मैं डेल्टा A1, क्योंकि ये डेल्टा A1 जो है यहाँ से आएगा, तो जो डेल्टा A1 है वो किसके बराबर है, कहता है ए मीन माइनस ऑफ A1, क्लियर। तो ये मुझे जो आंसर मिलेगा, इधर कुछ एक वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू होगी वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, इसलिए मैं उसको मॉड में रखता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा A1, ऐसे ही डेल्टा A2 फाइंड आउट करने आएगा तो वो कैसे लिखेंगे, ए मीन माइनस ऑफ A2, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा A2, इसको भी मैं मॉड में लिखूँगा। ऐसे ही मैं n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए निकालता हूँ, दैट इज ए डेल्टा An विच इज इक्वल्स टू ए मीन माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, An, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताइए, डेल्टा An, क्लियर। अगर ये वाली बात क्लियर होती है तो इसलिए अब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ एब्सोल्यूट मीन एरर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो क्या होगा, देखिए दैट इज डेल्टा ए मीन, ओके, ये किसके बराबर है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स तक इसे कर देता हूँ, डेल्टा An डिवाइडेड बाय n, बिकॉज n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद दो जो थर्ड पार्ट है वो मुझसे पूछता है रिलेटिव एरर निकालिए, दैट इज रिलेटिव एरर बोल सकता है वो इसे, उसे वो फ्रैक्शनल एरर बोल सकता है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव एरर है ये क्या है, हमेशा जो एरर की अमाउंट है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे,
और जो ट्रू वैल्यू की अमाउंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मेरे पास जो एब्सोल्यूट मीन एरर आई है वो बेसिकली है क्या, वो है डेल्टा ए मीन। तो यहाँ पर डेल्टा ए मीन जो है ये क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट मीन एरर, इसके डिवाइड कर देंगे ए मीन से, ये क्या है एक मीन वैल्यू, तो ये मुझे क्या मिल गया रिलेटिव एरर। ऐसे ही लास्ट में हमसे निकाला जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होता है वो किसके बराबर है, कहता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, और यू कैन से डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज एरर। तो मैं परसेंटेज एरर को और डिफाइन करना चाहता हूँ कि परसेंटेज एरर होता क्या है, परसेंटेज एरर्स इन पावर कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद जो यहाँ पर तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा एरर इन पावर, एरर इन पावर। लेट अस सपोज करिए मेरे पास एक क्वांटिटी है एक्स इक्वल्स टू जेड की पावर ए, तो मुझे बोला गया कि है ना पहले तो एरर निकालिए इन एक्स, तो मैं लिखूंगा एरर इन एक्स दैट इज कितना डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू ए डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ पर आई होप आपको पता चला मैंने क्या करा है कि ये जो पावर वाला पार्ट है ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन जितनी भी पावर होगी वो रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट अस सपोज करिए मेरे पास एक और इसके एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, दैट इज जेड इक्वल्स टू एक्स की पावर ए वाई की पावर बी अपॉन एस की पावर सी। अब बोला गया कि मुझे रिलेटिव एरर निकालिए, तो रिलेटिव एरर जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ साथ में डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस प्लस, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरर ऑलवेज ऐड होती है बेशक वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा एस अपॉन एस। अगर मुझसे बोला गया कि परसेंटेज एरर भी निकालिए इसमें, तो मैं अगर इसमें परसेंटेज एरर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो ये क्या शो कर रहा है मुझे एक्स परसेंट, क्लियर। ऐसे ही मैं जेड परसेंट निकालना चाहता हूँ तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये मुझे क्या बोल रहा है जेड परसेंट। तो इनके बेसिस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में, और कोई भी एक रेफरेंस बुक से आप इनके बड़े सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कहता लाइट ईयर क्या है, लेट अस सपोज करिए मेरे पास ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल की एक टॉर्च है, और जैसे मैं टॉर्च जलाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि टॉर्च जलाने से यहाँ से कोई लाइट निकली, ये जो लाइट निकल रही है एक सेकंड में कहीं तक जाएगी, दूसरे सेकंड में कहीं जाएगी, ऐसे ही एक मिनट तक कहीं ट्रैवल होगी, वैसे ही एक दिन में कहीं तक ट्रैवल होगी, एक महीने में, फिर एक साल में। तो एक साल में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस नॉट टाइम, लाइट ईयर मोस्टली बच्चे कहते हैं इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बट ये क्या है मीटर में लिखा जाता है। तो लाइट ईयर जो है जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन वन ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो देखिए जरा, तो लाइट ईयर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। तो वन लाइट ईयर
कितने मीटर होता है, कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो वन लाइट ईयर आपको पहले पता होना चाहिए 365 डेज होते हैं, 365.25 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई बाय पहले 24 बिकॉज एक दिन में 24 आर होंगे, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 9.467 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। तो एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है 9.467 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर करती है, क्लियर। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन AU, AU से हम शो करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। लेट अस सपोज करिए ये सन है और इसके चारों तरफ ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ फर्स्ट डे आपको पता है जिस टाइम अर्थ वन रोटेशन करती है तो वन डे बनता है, ऐसे ही जब पूरा चक्कर लगा लेती है सन का तो वन ईयर बनता है। तो पर डे ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मैं देखता हूँ समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन ऐसे अराइज होते हैं, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है इन सब डिस्टेंस का मीन ले लीजिए। अगर मैं इन सब डिस्टेंस का मीन ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कहता है इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो इट इज द मीन डिस्टेंस द सन एंड द अर्थ। तो कहता है वन AU कितना होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी वैल्यू जो होती है 1.496 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर, क्लियर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बिकॉज जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें ये वैल्यूज पूछी जाती है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द लास्ट वन इज पारसेक। पारसेक क्या होता है, लेट अस सपोज करिए कि दो टावर्स हैं, अगर मेरे पास दो टावर्स हैं, मैं इनकी हाइट है 500 मीटर, अगर इनकी हाइट 500 मीटर है और आप इनके बिल्कुल पास खड़े हुए हैं तो इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नजर आएगा, क्लियर, क्योंकि इनके बीच में पहले ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। आप जितनी दूर चलते चले जाते हैं इन दोनों टावर से तो आपका देखते हैं ये बहुत ज़्यादा पास क्लोज हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये कह रहा है कि जो पारसेक है वो क्या है, ये कहते हैं जो सन है हमारे पास, सन और अर्थ के जो बीच का डिस्टेंस है वन AU जब मुझे नज़र आता है कहाँ से, एक एंगल से, वो एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज वन सेकेंड। अगर मैं इस पोजीशन पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इनका डिस्टेंस मुझे वन AU नहीं नज़र आता, तो मैं और पीछे जाता हूँ, वन AU से मुझे पहले क्या नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। जब मैं और पीछे गया तो ये एंगल और क्या होता जाएगा, स्मॉल, ये इतना ज़्यादा स्मॉल एंगल हो गया कि कितना नज़र आ जाए जा मुझे, वन सेकेंड। जिस टाइम ये एंगल वन सेकेंड हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन पारसेक। तो जो वन पारसेक है ये किसकी बराबर है, वन पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, क्लियर। तो वन पारसेक किसकी बराबर है, 3.26 लाइट ईयर, ओके। आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए वो सारे के सारे टॉपिक्स के रिलेटेड एग्जांपल्स आप घर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा कि आपको वो एग्जांपल क्लियर हुए हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।